तो अगर ऐसे लोग जो इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, जो अपने हार्ट पे अपने लिपिड्स में रिस्क लेते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन है कि आपने मसल्स का एमआरआई बाद में करा के देखा तो आपको फैट दिख ही नहीं रहा बट मसल का बल्क बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन हैं। और आज हम इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आते होंगे। बिल्कुल सही। ऐसे भी बहुत पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब जो पतले हो गए, फिट हो गए, जिम जाते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि उनको शर्टलेस रहना है, मॉडल्स हैं और उनको एब्स नहीं बन रहे, सिक्स पैक एब्स नहीं बन रहे, एट पैक। आपने देखे हमारे रिजल्ट, हम बिल्कुल शानदार सिक्स पैक एब्स बना देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी जिनकी थोड़ी एब्स दिखती हैं जो देखते हैं, वो बहुत लोग सोचते हैं जिम जिम तो वो करते हैं, फिट हैं, मैंने बोला, लेकिन उनकी जो एब्स डेफिनेशन है वो हमसे दी गई है। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब। एक लिटरली फिजिकल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ लोग बड़ी मेहनत करके अपनी एब्स को बाहर लेकर आते हैं और उसके लिए कई उल्टे सीधे दवाइयाँ लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, फैट बर्नर लेते हैं, क्लेनबुटरॉल लेते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, जो अपने हार्ट पे अपने लिपिड्स में रिस्क लेते हैं, कितनी उनके लिए, अगर वो अपने खासकर एब्डोमिनल एरिया से एक बार लाइपोसक्शन करा लेते हैं या रीशेपिंग करा लेते हैं, तो रीशेपिंग इज बेसिकली जहाँ पर आप जो रेक्टस एब्डोमिनस है, जो एब्डोमिनल मसल है, उसके लाइन से आप शेप बना देते हैं और उस लाइन से आप फैट सेल्स कम कर देते हैं ताकि वो शेप एक्स्ट्रा दिखे, आसानी से दिखे और वो एक तरीके से एब्स दिखने लगते हैं। इसको एब एचिंग बोलते हैं। एब एचिंग, दैट इज गुड। एब्स को एच किया, एच किया, बहुत हाई डेफिनेशन लाइपोस्कल्चरिंग भी बोलते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने बताया डिफरेंट मसल्स होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की इंसर्शंस हो गई, सेरेटस की इंसर्शंस हो गई, इन सारी मसल्स को उस इंसान में फील करकर उनकी जहां जहां इंसर्शन डर्मिस होता है, जो गड्ढे क्रेस्ट बनते हैं, जहाँ गड्ढे बनते हैं, उनको आप मार्क करते हैं, उस मार्क एरिया से हम थोड़ा फैट एक्सेस निकाल देते हैं। सो वो एक डेफिनेशन देना शुरू कर देता है। एक को एक स्टेप और लेके जा सकते हैं, जो फैट निकाला उस फैट को आप उनकी बाकी मसल बेलीज में डाल सकते हैं, तो मसल का बल्क हो गया, बढ़ गया और जहां गड्ढे थे वो गड्ढे हो गए। सो वो एक हाई डेफिनेशन रिजल्ट दे पाता है। मसल बेली यानी मसल के अंदर फैट, मसल के अंदर फैट, हाँ वो रहता है, बिल्कुल रहता है। कितने टाइम तक? सो अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ कि ये देखा गया अगर आप मसल के अंदर फैट डाल रहे हैं, ये सही एक्सपर्ट हैंड्स की बात है, ये हर किसी से नहीं करा सकते क्योंकि वेसल्स भी होती हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड डालते हैं। सो आप जब मसल्स के बीच में फैट डाल रहे हैं, मेकिंग श्योर कि वो वेसल्स में नहीं जा रहा, और उस पेशेंट को देखा गया, उसका बाद में MRI कराए गए, तो मसल हाइपरट्रॉफी हो गई बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इवन दी फैट सेल्स एडिपोसाइट्स हैज लॉट ऑफ स्टेम सेल्स अराउंड देम, सो मसल हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। सो उसकी वजह से रिजल्ट बहुत सुंदर दिखता है, बहुत हाई डेफिनेशन दिखता है। सो जो लोग मसल्स के अंदर ऑयल्स का इंजेक्शन लगाते हैं, राइट, सिंथॉल का इंजेक्शन लगाते हैं, वाई सिंथॉल, फैट क्यों नहीं यूज़ करते लोग? एक तो उसके लिए सर्जरी चाहिए, वो जो सिंथॉल इंथॉल तो कोई ऐसे ही लगा देते हैं ना, तो सर्जन चाहिए। और मैंने आपको वर्ड ऑफ कॉशन बड़ा स्टटिक टाइम पे बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो पहले, कि इट हैज़ टू बी डन इन एक्सपर्ट हैंड, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सो दैट यू नो दैट यू आर इन राइट प्लेन, बिकॉज फैट एम्बोलिज्म, ऑयल एम्बोलिज्म, ऑल दीज थिंग्स आर अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, सो इट हैज़ टू बी टेकन विद कॉशन एंड विद अटमोस्ट सेफ्टी। अच्छा, इसके बारे में ये बताइए कि ये फैट वहीं रहता है मसल के अंदर या लॉन्ग टर्म में डिजॉल्व हो जाएगा? बिकॉज ये तो है, मसल तो बड़ी हाईली एक्टिव टिश्यू है। मान लीजिए किसी ने थाई के अंदर फैट डाला है, थाई उसकी मोटी हो गई, थाई इज वेरी एक्टिव, सो उसमें फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बोला आपने, नॉर्मली भी कहीं भी फैट डालते हैं 30-40% फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बचता है वो परमानेंट होता है, मसल्स के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। बट एज आई सेड, इट वाज सीन, उस रिसर्च पब्लिकेशन है कि आपने मसल्स का MRI बाद में करा के देखा तो आपको फैट दिख ही नहीं रहा बट मसल का बल्क बढ़ गया। सो द एडवांटेज व्हिच यू आर टेकिंग हेयर इज बिकॉज ऑफ स्टेम सेल एक्टिविटी ऑफ द एडिपोसाइट्स एंड द यू नो, जो आप टिश्यू एक्स्ट्रा हार्वेस्ट करते हैं, सिर्फ एडिपोसाइट्स नहीं होता, उसमें स्टेम सेल्स भी होते हैं। तो ये मसल के अंदर बाय थ्रू इंजेक्शन से ही लगता है या आपको मसल को के प्लेन के अंदर ओपन करना पड़ता है? सो यू हैव टू ओपन द एपिमाइजिंग, अगर आप इंट्राऑपरेटिवली कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान कर रहे हैं, कट लगाया हुआ है, या आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड बिना खोली भी डाल सकते हैं, बट वो बहुत रिस्की हो जाता है। सो ये हर मसल पे नहीं कर सकते? नहीं, हर मसल पे नहीं कर सकते, ये बहुत सिलेक्टेड एरियाज पे करा सकते हैं। फिर तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी मसल्स हैं और एक एक मसल्स को इस तरह से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एब्डोमिनल प्लास्टिक के दौरान का बताया, जिसको बोलते हैं रेक्टस फैट ग्राफ्टिंग, वहाँ पे करते हैं। अब आप बटक्स में नहीं कर सकते, बटक्स ऑगमेंटेशन बहुत लोग जीते, बटक में मसल में फैट डालना रिस्की है, कभी भी नहीं करना। सो डिपेंड करता है उस मसल्स की किस तरह की टाइपोग्राफी है और क्या वेसल्स का डायमीटर है उसके अंदर, किस एरिया में कर सकते हैं इस पे। अच्छा, इस बात में कई ऐसे बड़े बड़े फेसेस हैं, यूट्यूबर्स हैं, आपने शायद लिवर किंग का नाम सुना होगा? नहीं सुना? एक है, एक कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं,
लेवर किंग अपने आप को कहते हैं, यहाँ के नहीं है बाहर के हैं, एंड उनका एब्स के ऊपर कई बार ऐसा शक पड़ता है, कई लोगों ने उसके ऊपर सवाल भी खड़े किए कि भाई आपके जो एब्स हैं वो ओरिजिनल नहीं लग रहे, क्यों? क्योंकि इंसान जब रिलैक्स होता है एटलीस्ट तब उसके एब्स चले जाते हैं, तो उनके रिलैक्स होने पर भी एब्स दिखते हैं, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है कि या तो वो एब्स, कई लोग उनसे कहते हैं कि आपने एब्स में इम्प्लांट डाले हैं या आपने एब्स की जो एचिंग कराई है, सो क्या एचिंग कराने के बाद ऐसा कुछ होता है कि भी रिलैक्स करने पर भी एब्स दिखेंगे और एब्स कुछ अजीब ही दिखने लगेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके सर्जन पे। अगर आपके सर्जन को ये सारी नॉलेज है तो वो इतना एच करता है कि जैसे ही आप एक्सर्ट करते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं और जैसे ही आप रिलैक्स कर जाते हैं तो वैसे नहीं दिखते। सो ये डिपेंड करता है, सी इट्स एन आर्ट, कला है इसको 1+1 2 नहीं है, इसमें कला है, हाथ की सफाई है। कि अब जैसे कुछ लोग गड्ढे बनाते हैं बिल्कुल ठक गड्ढे बनते हैं, और कुछ लोग गड्ढे बनाते हैं थोड़ा सा स्मूथ जाता है, नीचे जाता है, फिर ऐसे होता है, या आप ऐसे बनाएं। सो ये चीज़ कला है कि वो कैसे नेचुरल लगे। अब मैं अपने पेशेंट्स के नाम नहीं बता सकता जो फेमस एक्टर एक्ट्रेस है, नहीं तो आप समझ जाते हैं कि वो आपको सोच नहीं सकते। तो लोग आपके चैनल पे देख लेंगे, कई सारे एग्जांपल है, फोटोज है इंस्टाग्राम पे। देखिए पॉइंट इज कि दे शुड अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। यस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल काटपीट नहीं है, ये एक आर्ट है, और ये आर्ट आर्टिस्ट करे तभी फायदा होगा, और आपको आर्टिस्ट उसके काम देख के ही चूज करना पड़ेगा। तो आप पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि क्या चीज़ है, फिर आप सोचो अगर आप करना ही चाहते हो तो आर्टिस्ट ढूंढो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन इन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिकली ऐसे लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जिनका फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपने ऊपर लाखों रुपए खर्चे करते हैं, लिटरली जो कई बार ट्रेनर्स को देना, कई पैसे दे के बड़ी बड़ी मेंबरशिप्स जिम्स की, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जगह से वो लोग अपने स्टेरॉइड्स मंगाते हैं, आउट ऑफ कंट्री से, ब्लैक मार्केट से वो उल्टे सीधे चीज़ें लेते हैं। सो फॉर देम, आई मीन, दिस काइंड ऑफ अ प्रोसीजर इज़ एक्चुअली वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव इफ़ दे डू इट अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर डॉक्टर। यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोला, लास्ट लाइन, इफ डन बाय अ एक्सपर्ट पर्सन इन अ गुड हॉस्पिटल फैसिलिटी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है।